जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। विंडोज़ इंस्टॉलेशन की हम बूटेबल डिस्क यूएसबी तैयार कर रहे हैं। इसका एक एपिसोड रिकॉर्ड हो चुका हुआ है और दूसरे एपिसोड में, पहले एपिसोड में मैंने आपको पावर आईएसओ इंस्टॉल करना और क्रैक करना सिखाया था। और ये एक छोटा सा क्लिप है, इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरीके से जो आपके पास विंडोज़ की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो डीवीडी या सीडी मौजूद होगी तो आपने उसका इमेज कैसे बनाना है। तो ये आप सीखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे ये काम। आपने डीवीडी जो है वो सीडी रोम में या डीवीडी रोम में इंसर्ट कर देनी है। उसके बाद आपने फाइल में आने हैं और फाइल के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रही है, ओपन सीवीडी और डीवीडी, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी आपके पास, इसे ओके कर दें। बेशक एक दफ़ा इसे रिफ्रेश कीजिए और इम्पोर्ट कीजिए। सो इस तरह करने से ये लोड हो जाएगी, ठीक है। सीडी लोड हो गई है आपकी। अब आपने इसका जो टॉप लेबल है उसको चूज कर लेना है ताकि सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद आपने टूल्स में जाना है। टूल से आपने इस ऑप्शन पर आना है जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जिस पे लिखा हुआ आ रहा है मेक सीडी डीवीडी इमेज फाइल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसे ओके कीजिए और यहां से लिखा हुआ आ रहा है डेस्टिनेशन फाइल। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, सोर्स क्या आपका सीडी है और यहां से आप आईएसओ इसका बनाएंगे और यहां से आप ओके का बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये मैसेज इसलिए आ रहा है कि यहां पर एक फाइल पहले से पड़ी हुई है, तो क्या आप उसे ओवरराइट करना चाहते हैं। अगर आप पहली दफा बनाएंगे तो ये वाला जो मैसेज है ये नहीं आएगा, ठीक है जी। यस, ले प्रोसेस शुरू। नो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ डीवीडी, क्योंकि डीवीडी तकरीबन 3 GB की डीवीडी है तो ये तो तकरीबन घंटे की रिकॉर्डिंग हमारी हो जाएगी। इसमें अब मजीद कुछ भी नहीं है, इसने 100% तक जाना है और कंप्लीट हो जाना है। और आपने फोल्डर में जाकर देखना है तो आपको इमेज रेडी मिलेगा। सो हमने दो स्टेप्स कर लिए हैं। पहले स्टेप में मैंने आपको इंस्टॉलेशन करनी सिखाई थी और दूसरे स्टेप में मैंने आपको डीवीडी को लोड करके उसका इमेज बनाना सिखाया है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपके पास एक फाइल आ रही होगी जो कि जिसकी टाइप आईएसओ होगी। इट्स ओके। लें जी, हम इस रिकॉर्डिंग को यहीं पर रोकते हैं और देखते हैं कि इसके बाद अगला स्टेप क्या है।